शहर में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया अनंत चतुर्दशी का त्यौहार। इस उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कई तरह की मनमोहक झांकियां लगाई गईं, जिन्हें देखने के लिए शहर ही नहीं बल्कि आसपास के गांव से लोग भी पहुंचे। अधिकतर झांकियां रामायण के ऊपर आधारित थीं। एक जगह तो स्मैक किल्लत को लेकर भी झांकी का प्रदर्शन किया गया, जिसमें बताया गया कि किस तरह से शहर में खुलेआम स्मैक का नशा बेचा जा रहा है एवं सत्ता के नशे में मंदोज नेता अपनी आंखों पर काला चश्मा और कान में रुई डालकर बैठे हैं। पास में ही पुलिस प्रशासन का प्रतिनिधित्व करते हुए बताया गया कि जिसने अपने हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं और सब कुछ देखते हुए दिखाया गया। इस झांकी के मंचन से समझ में आता है कि किस तरह से नशे के कारोबार को खत्म करने की जगह और बढ़ावा मिल रहा है। इस झांकी के अनुसार बढ़ते नशे के कारोबार का दोषी पुलिस प्रशासन एवं सरकार है। इसके अलावा कृष्ण के किरदार दिखाते हुए कई झांकियों का मंचन भी किया गया। बौद्धिक सशक्तिकरण के अंतर्गत आज SC/ST वर्ग के दिव्यांग छात्र छात्राओं को किट प्रदान की गई। इस किट के द्वारा सभी बच्चे अपने घर में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उड़ीसा से एक टीम गुना पहुंची। साथ ही इस किट को किस तरह से प्रयोग में लाया जाना है इस बारे में बच्चों एवं अभिभावकों को विस्तार से जानकारी दी गई। यह कार्यक्रम जिला शिक्षा विभाग में आयोजित किया गया। आज हमारे यहाँ SC/ST वर्ग के मानसिक दिव्यांग बच्चों के को MR किट प्लस सह प्रशिक्षण यहाँ दिया जा रहा है, जो राष्ट्रीय बौद्धिक सशक्तिकरण संस्थान कलकत्ता द्वारा ये किट दी जा रही है। ये किट तैयार की गई है जिससे कि मानसिक विकलांग बच्चों को घर पर कैसे प्रशिक्षण दिया जा सकता है, तो उसके लिए कलकत्ता से हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर हेमंत केशवाल जी, प्रेम कुमार यादव जी,
बैच किस्त को बांटेंगे भी और उसका कैसा उपयोग करना है वो हमारे इन अभिभावकों को भी बताएंगे। भुजरिया तालाब के पास रेलवे लाइन से सटी कॉलोनी के निवासी इन दिनों भारी अव्यवस्थाओं में जीने को मजबूर हैं। रहवासियों के अनुसार कई बार वार्ड पार्षद के कहने के बाद भी कोई काम नहीं कराया गया। वहीं रहवासियों ने आपस में चंदा इकट्ठा कर पानी निकासी के लिए पाइप डलवाए जिसके सहारे वह लोग अपने घरों से रोड तक आ पाते हैं। वहीं रहवासियों के अनुसार उन्होंने अपने वार्ड पार्षद सुनील मालवीय से इस बारे में कई बार शिकायत की लेकिन वह भी इन लोगों की परेशानियों को दूर नहीं कर पाए। आगे तक बहन जो कीचड़ ही कीचड़ पड़ रहा पूरे में। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया पोषण जागरूकता शिविर। इस शिविर का आयोजन कस्तूरबा कन्या महाविद्यालय में किया गया जिसमें हीमोग्लोबिन की जांच, बीएमआई का परीक्षण, इसके साथ ही सेमिनार और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंत में सभी छात्राओं को कार्ड भी बनाए गए जिनमें उनके ब्लड ग्रुप एवं बीएमआई संबंधी जाँचों के बारे में लिखा गया जो आगामी भविष्य में उनके काम आ सके। एनएसएस दिवस है और राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस पर हमारे यहाँ पर ब्लड टेस्ट, हीमोग्लोबिन टेस्ट, वेट और हाइट का चेकअप चल रहा है और महिला बाल विकास के सौजन्य से साथ ही हमारे यहाँ जो समाज सेवी हैं नगर के पीयूष पैथोलॉजी के विकास जाट जी उनके सौजन्य से ये हमारे यहाँ पर टेस्ट चल रहा है और सभी छात्राओं के कार्ड बनेंगे ताकि छात्राओं को भी पता रहे कि उनका हीमोग्लोबिन कितना है ताकि आगे उनका वो सुचारू रूप से अपना चेकअप करवा करके उसके लिए कुछ दवाएं ले सकें। साथ ही एनएसएस डे पर हम कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। महिला बाल विकास से श्री मनोज भारद्वाज जी आए हैं और पूरे कॉलेज का सहयोग हमें मिल रहा है और बहुत अच्छा हमारा ये कार्यक्रम। गादेर में छात्रावास के पीछे मिली एक लाश। पुलिस को सूचना मिली कि गादेर पर छात्रावास के पीछे झाड़ियों में एक युवक की लाश पड़ी हुई है जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस की एक टीम छात्रावास पहुंची। जब पुलिस मौके पर पहुंची तब उन्होंने पाया कि मृतक के शरीर पर कई जगह घाव थे, साथ ही सर पर भी चोटों के निशान थे। मौके पर ही परिजनों के आ जाने से युवक की शनाख्त राम सिंह निवासी गादेर के रूप में हुई। पुलिस ने भी प्रथम दृष्टया पंचनामा बनाकर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय में भेज दिया है। मेरा नाम मनोज शहरिया है। काका जी मौके पर बसने के लिए गए थे, रात में उधर गए तो उधर से लौट के नहीं आए। जब सुबह हमको पता चला 3 बजे करीब तो उनको वो सुना के वो मरत पड़ पाए थे। ये कहाँ पर गए थे? यहाँ पर गए थे सर, बंजारा बस। वहाँ पे आपने जाके मतलब क्या देखा? हमने वहाँ पे जाके देखा, वहाँ पर ये आदमी था तो उसने बोला कि वहाँ पे तुम्हारे चाचा जी पड़े हैं तो तुम उनको देखा रहा। हम देखने गए तो वहाँ पे वो मेरे साथ पड़े सर के चोट वगैरह।
ये मामला आज सुबह जो है जानकारी सूचना मिली थी कि गादेर पे छात्रावास के पीछे खेतों में एक व्यक्ति मरा पड़ा है। उसकी सूचना के आधार पर मैं एसओ साहब वगैरह पूरा फोर्स के साथ वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि एक व्यक्ति वहाँ मरा पड़ा था और उसके सिर में जगह जगह चोटें थी। फिर उनके परिवार वालों से पूछा, परिवार वाले भी आए वहीं पे मौका पे आ गए थे। उन्होंने पहचान की कि हमारा ये घायल पड़ा था उसका नाम राम सिंह पुत्र ज्वाला आदिवासी उम्र करीब 40 वर्ष निवासी गादेर का था, जिसके सिर में और जबड़े पे और चार पांच चोटें गंभीर चोटें थी। खून से सिर लथपथ था। ऐसा लग रहा है कि चोटों के कारण उसकी मृत्यु हुई है। उसके पंचनामा बना करके यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए लाए हैं और मौका पर प्रोफेसर डॉक्टर साहब गुना से और डॉग मास्टर पुलिस का डॉग होता है वो भी वहाँ पर गए थे, उससे भी सर्च की गई है। प्रोफेसर डॉक्टर साहब ने भी मौके का मुआयना किया है। पोस्टमार्टम के बाद ही मतलब पता लगेगा कि चोट के कारण हुई है। पश्चिम बंगाल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दो कार्यकर्ताओं की हत्या किए जाने के विरोध में गुना पीजी कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने दोनों कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी। वहीं आरोप भी लगाया कि पश्चिम बंगाल में इन दोनों कार्यकर्ताओं की हत्या ममता बनर्जी ने करवाई है क्योंकि वह हिंदी में पढ़ाए जाने के लिए मांग कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में जो हमारे जो कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, पश्चिम बंगाल में जो कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है वो हत्या पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी द्वारा करवाई गई है। क्या वो जो छात्र हमारे प्रदर्शन कर रहे थे उसमें मांग कर रहे थे कि जो भी कॉलेज हैं यहाँ पर हिंदी पढ़ाई जाए, क्योंकि ममता बनर्जी का आदेश था कि सभी को उर्दू पढ़ाने का बोल रखा था और उर्दू प्रोफेसरों की भर्ती की जा रही थी, किंतु हमारे कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध किया और उनको जबरन गोली मरवा कर उनकी हत्या की गई है। इस प्रकार से राष्ट्रवादी विचारधारा लोगों की अगर हत्या होती रही तो विद्यार्थी परिषद शांत नहीं बैठेगी और भी उग्र आंदोलन करेगी और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और आज सभी कार्यकर्ताओं ने दोनों हमारे कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि। मकसूदनगढ़ में युवक का अपहरण, 12 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। कुमराज बिनागंज के बाद अब मकसूदनगढ़ क्षेत्र के खेराड़ा गांव में अपहरण की घटना सामने आई है। दरअसल पूरा मामला ये है कि मकसूदनगढ़ के खेराड़ा गांव में रहने वाले रघुवीर लोदा नामक युवक के घर पर एक छोटी सी दुकान है जिस पर वह पेट्रोल बेचता है। करीब शाम 7 बजे मोटरसाइकिल पर सवार चार लोग आए और रघुवीर लोदी को पेट्रोल लेने के लिए आवाज देने लगे। जैसे ही रघुवीर लोदी आवाज सुनकर अपने घर से बाहर पेट्रोल देने के लिए आए तो अपहरणकर्ताओं ने उसके ऊपर कंबल डाल दिया। यह देखकर रघुवीर लोदी के घर वाले उसे बचाने के लिए आगे आए तो अपहरणकर्ताओं ने घर के गेट बाहर से बंद कर दिए और रघुवीर लोदी को मोटरसाइकिल पर उठाकर ले गए। जैसे ये जानकारी परिजनों ने गांव के लोगों को दी तो आनन फानन में गांव के लोग उकावत पुलिस चौकी पहुंचे और मामला दर्ज करवाया। साथ ही रात में ही रघुवीर लोदी की तलाश पुलिस और गांव के लोगों ने शुरू कर दी। 16 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी रघुवीर लोदी का कोई पता नहीं है। उधर रघुवीर लोदी के पिता राम भरोसा लोदी की शिकायत पर उकावत पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ 365 की कायमी कर मामला दर्ज कर लिया है और रघुवीर लोदी की जगह जगह तलाश की जा रही है। अब तक पुलिस रघुवीर लोदी का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। रात के 7:30 बजे ले गए। कौन ले गए? कोई जानते मालूम नहीं है सर। अच्छा, किसको ले गए? क्या नाम है लड़के का? सिंह लोदी। कितने लोग थे? वे बता रहे दो गाड़ी सर। दो गाड़ी ऐसी, चार लोग ऐसे। मोटरसाइकिल। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद फिर अभी बात हुई रात के 10-1 बजे उनका फोन आया तो वही रघुवीर वाले फोन से उन्होंने बताई कि दूधी नदी के पास आ जा। मंदी नदी के पास हम पहुँचे तो उन्होंने बोली करणवास के पास आ जा। करणवास के बाद पहुँचे तो उन्होंने कही वापसी दूधी नदी के साइड आ जा। इसके बाद से फिर उन्होंने फोन नहीं लगाया था 2 बजे के बाद से। मतलब जो लड़के को उठाकर ले गए वही लोग फोन पे बात कर रहे हैं? हाँ, वही लोग कर रहे हैं। कौन से मोबाइल से कर रहे हैं? उनके रघुवीर सिंह के। अच्छा, किन किन लोगों से बात हुई? ये संतोष केवट के। अच्छा, तो इनको ले कैसे गए? क्या है, क्या गए? किस तरीके से उठाकर ले गए ये जानकारी नहीं है सर। ये बता रहे थे कि पेट्रोल मंगाया, उनने पेट्रोल देने के लिए बुलाया तो पेट्रोल दे दिया गाड़ी में। इसके बाद जैसे अंदर ड्रम रखने गया तो बाहर से खींच कर पकड़ा गाड़ी में ले गया और बाहर के फाटक बंद कर गए। लगभग कितने लोग थे वो? लगभग 4 लोग।
अभी तक फोन पर कितनी बार बात हुई है उन लोगों से? 10 बार बात हो चुकी है, रात के 2 बजे के बाद से बात नहीं हो रही। कहाँ है स्वच्छ भारत? मकसूदनगढ़ में स्वच्छ भारत सिर्फ आपको दीवारों पर ही लिखा हुआ देखने को मिलेगा। मकसूदनगढ़ में साफ सफाई आपको दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगी। पहली तस्वीर है मकसूदनगढ़ लटेरी रोड की। मकसूदनगढ़ में बस स्टैंड नहीं है, इस कारण बसें लटेरी रोड स्कूल के सामने ही खड़ी होती हैं। और पास ही में एक शौचालय है जिसका ज्यादातर उपयोग बसों में यात्रा करने वाले लोग ही करते हैं। यात्रियों को शौचालय के भीतर पहुंचने के लिए कचड़े के ढेर के ऊपर से गुजरकर जाना पड़ता है, तब जाकर यात्री शौचालय के अंदर तक जा पाते हैं। यात्री शौचालय के अंदर जाते हैं तो शौचालय में गंदगी और बदबू के अलावा साफ सफाई यात्रियों को दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। और कुछ ऐसा ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा मकसूदनगढ़ शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में। यहाँ पर शौचालय में साफ सफाई आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। यहाँ की छात्राओं ने जो हमें बात बताई उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उस स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों ने बताया कि शौचालय में कई महीनों से साफ सफाई नहीं हुई है। प्रिंसिपल अशोक जोशी ने बताया कि इस संबंध में हम आला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन मकसूदनगढ़ शासकीय कन्या शाला स्कूल पर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे में कैसा होगा स्वच्छ भारत मिशन कामयाब? जब स्वच्छता पर तमाम आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि बातें तो करते हैं पर सब तस्वीरों तक ही सीमित रहता है और जमीनी स्तर पर कुछ दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे क्या गंदी वाड़ा है? साफ सफाई है क्या? नहीं है साफ सफाई। कोई साफ करने आता है? सफाई वगैरह करने नहीं आता है? नहीं आता कोई। कब से साफ सफाई नहीं हुई? बहुत दिनों से नहीं हुई, जब से आ रहा है। सर ये कन्या माध्यमिक जो स्कूल है इसमें टॉयलेट की व्यवस्था बच्चों को अच्छी नहीं है, बहुत गंदगी है, इस पर आपके क्या कहना है? सर एक निवेदन है पंचायत और हमारे अधिकारियों को, बार बार हम इस संबंध में लिख चुके हैं कि सर यहाँ ना स्वीपर की उपलब्धि करवाई जाए। हाँ। कारण क्या है, यहाँ पर उनकी एक विशेष संगठन सा है तो दूसरे क्षेत्र में काम नहीं करती है, तो हम पंचायत को भी लिख दे चुके हैं बार बार कि भाई यहाँ पे आप अपनी स्तर से व्यवस्था करवाएं, पंचवर में स्तर से व्यवस्था करवा दें तो कम से कम कन्याओं को असुविधा नहीं हो। तो साफ सफाई इसी के कारण नहीं हो पा रही क्या? आप ये अच्छी तरह समझ सकते हैं कि सफाई का कार्य तो सिर्फ सफाई कामगार ही कर सकते हैं, बाकी की व्यवस्थाएं तो हम उपलब्ध करवा सकते हैं। मकसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। बमोरी में सिखाए गए किसानों को वोट डालने के गुर। तहसील कर्मचारियों द्वारा सभी किसानों को बताया गया कि किस तरह से अपना मत का प्रयोग किया जाए। जनपद पंचायत सीईओ सौरभ कुशवाहा ने सभी किसानों को ईवीएम वोटिंग मशीन के बारे में जानकारी दी। हमारे सहयोगी जालम किरार की रिपोर्ट। दिल्ली से लेकर दिल्ली क्या जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक आप अगर जाओगे, तमिलनाडु में हमारे कार्यकर्ता है, कोई जम्मू कश्मीर में है, कोई हमारे बिहार में है, कोई मध्य प्रदेश में है, कोई आज यहाँ बमोरी में है, बमोरी के आसपास गांव में भी मिल जाएंगे। सब वर्गों के कार्यकर्ता, सब धर्मों के कार्यकर्ता हमारे संगठन में जुड़े हैं। तो बंधुओं बताएं, उनका कहना सही है अनेकता में एकता, जो हमें जातिवाद में बांट रहे हैं, या हमारा कहना सही है अनेकता में एकता? ये तो किसान संघ की विशेषता है और इसी विशेषता से भारत की विशेषता है। तो बंधु भारतीय किसान संघ को और मैं बता दूं, आज के लिए बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।